पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बीजेपी नेता की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है। भाजपा का ये दबंग नेता एक व्यक्ति को मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के नजदीक से अपने गुर्गों के साथ मिलकर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के बाद से मुरादाबाद पुलिस में हड़कंप मच गया, क्योंकि दिन दहाड़े किसी नेता द्वारा अपहरण करने की सूचना तेजी के साथ फैल गई। दरअसल 12 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो तेजी के साथ वायरल होने के बाद शहर भर में हड़कंप मच गया, क्योंकि वीडियो में गाड़ी ड्राइव कर रहा नेता दीपक अग्रवाल है, जो अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को गाड़ी में पिछली सीट की ओर डालकर दबाए हुए है और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस भी हरकत में आ गई और घटना स्थल पर जा पहुंची। पुलिस ने मौके पर एक कार खड़ी मिली जो अपहत हुए व्यक्ति की थी। दबंग नेता की पहचान होने के बाद जब कुछ मीडिया कर्मी उक्त नेता के ऑफिस का रुख किया तो अपहत व्यक्ति नेता के ऑफिस में ही डरा सहमा बैठा मिला। मुरादाबाद की पुलिस भी उसी तेजी के साथ काम कर रही थी। अपनी फजीहत से बचने के लिए सिविल लाइन पुलिस ने नेताजी को तुरंत थाने में कॉल कर लिया। बस फिर क्या था, योगी पुलिस और योगी के दबंग नेता ने पीड़ित व्यक्ति को इतना डराया कि पीड़ित व्यक्ति पुलिस के शब्द बोलने लगा और हाथ जोड़कर कोई भी कार्रवाई न करने की बात कहता नजर आया। हालांकि पुलिस पीड़ित पक्ष की गाड़ी भी थाने ले आई थी, लेकिन सत्ता की हलक के सामने योगी पुलिस ने घुटने टेक दिए। अपने आप को घिरता देख भाजपा नेता भी बैकफुट पर आ गए हैं और अपहत किए गए राकेश सारस्वत नाम के व्यक्ति को अपना पुराना परिचित बताना शुरू कर दिया है। उससे कोई पुराना जमीनी विवाद के चलते आज वो उसे अपने साथ लेकर आए थे। इस पूरे मामले पर मुरादाबाद पुलिस के अधिकारी भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मानने के इरादे से लेकर लेकिन मैं तो बाइक सर्विस करा रहा था। मैंने ये बंदा दिल्ली का है, गाड़ी नंबर भी दिल्ली का है इसका। जी जी। ये बंदा जो है दीपक अग्रवाल है, भू माफिया मुरादाबाद के अंदर प्रॉपर्टी का काम करता है। इस बंदे ने यहाँ पर जो बंदा आया हुआ था दिल्ली का, चार पांच जनों ने उसको आन करके गाड़ी को छोड़ा उसकी और गाड़ी में से उस बंदे को निकाल के ले गया और ये कह रहा है कि 4 लाख रुपए उस बंदे पे हमारे चुरा के लेके चला, चोर करके ले गया। मतलब वो चोर नहीं था, वो बंदा जिसके जो बंदा गाड़ी के अंदर से निकाल के लेके गया उसके पास 9mm पिस्टल थी, माउजर, अच्छा लाइसेंसी माउजर था, क्योंकि उसके अंदर बिल्ला पड़ा हुआ था। अच्छा। उसको उठा करके दीपक अग्रवाल ने आंटी पे लगा लिया और ले गया। भैया इन्होंने 2009 में मेरी माँ की मदर को फर्जी मदर बनाकर ना 2,53,00,000 का फर्जी लोन लिया था। ये आज कचहरी में आए थे, आज उसमें तारीख थी, मैंने इनसे कहा मुझसे बात कर लो, तो इनकी गलती से मेरी गाड़ी में गाड़ी लग गई, तो मैंने इनको एकदम रोका तो ये रुके नहीं, फिर रुक गए, मेरी इनसे बात हो गई और ये कह रहे मैं आपको कोविड करूंगा। अच्छा उसमें आप वीडियो में इन्हें गाड़ी में उठाते हुए दिख रहे हैं, 2-3 लोग हैं आपके साथ? नहीं नहीं, हम इन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा, ये हम कोऑपरेट कर रहे हैं, खड़े हैं, आप बात कर लीजिए इनसे। क्या नाम है आपका? खाली होता है, इन चीजों को नहीं होना और कुछ नहीं होना, हम लोग आपसे पूछेंगे। अरे सिर्फ आपसे मैं कह तो दिया आपको, भैया हमारा कोई बात नहीं है किसी चीज का। भैया ये कभी जो है गाड़ी में आपको बिठा के लेकर आना है, दीपक जी क्या था पूरा मामला? ये मामला कुछ नहीं है, हमारा कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा आपसी मैटर है, कोई बात करनी होगी हम उनसे बात कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ थाना सिविल लाइन में एक प्रकरण आया था जिसमें एक किसी आदमी को लेके जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें थाना प्रभारी सिविल लाइन मौके पर पहुंचे, पता चला कि एक यहाँ व्यक्ति जो उसको एक दूसरे को जानते थे उसके साथ वो लेके गए थे, फिर उनको थाने पे बुलवाया गया तो उन्होंने अपहरण करने की घटना से इनकार किया है और दोनों पक्षों को थाने पे बुलाया गया, आपस में उनकी बातचीत चल रही है। ऐसा सुनना मैं भी आया था, चाहे मैं इसको चाहे था उठा रहा, उठाने के बाद 50 लाख रुपये कैश थे इसके पास, इसके साथ मारपीट करी, पब्लिक ने वीडियो भी बनाया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों पक्ष हैं, जो कैश ले जाने की बात या मारपीट की बात, दोनों पार्टी वहाँ थाने पे हैं, उन्होंने कैश लेने की बात या मारपीट से इनकार किया है, अगर वो कोई तहरीर देते हैं तो हम तहरीर के आधार पर जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें पुलिस का क्या मतलब, पुलिस अपनी तरफ से क्या करेगी, कैसे वीडियो फाइल होगी? हम अगर
पीड़ित पक्ष तहरीर देता है तो तहरीर के आधार पर हम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कैसा है बीजेपी का कोई किसी तरह का कोई दबाव कैसे बीजेपी का है? ये नहीं है, हम पुलिस है, पुलिस स्वतंत्र रह के कार्य करेगी। जो भी अगर इस पर कोई तहरीर आती है या कोई अप्लीकेशन उसकी तरफ से आता है तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे, इसमें किसी दबाव या किसी कोई ऐसी बात नहीं है।